सो आज का फर्स्ट वर्ड है मेकअप लगाना। जैसे औरतें अपने फेस पर लगाती है मेकअप, तो मेकअप लगाना इसे कहते हैं इंग्लिश में पुट ऑन मेकअप। पुट ऑन मेकअप मतलब मेकअप लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है थोड़ा मेकअप लगा लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे पुट ऑन सम मेकअप। और मेकअप हटाना चेहरे से, तो मेकअप हटाना इसे बोलेंगे इंग्लिश में टेक ऑफ मेकअप मतलब मेकअप हटाना। जैसे आपको बोलना है अपना मेकअप हटा लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे टेक ऑफ योर मेकअप। नेक्स्ट डे मांग निकालना, सिर में मांग निकालना कंघी से, तो मांग निकालना को कहते हैं इंग्लिश में पार्ट। पार्ट मतलब मांग निकालना। जैसे इसका एग्जांपल है मैंने बीच की मांग निकाली, या मैंने अपने बालों में से बीच की मांग निकाली, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई पार्टेड माय हेयर इन द मिडिल। नेक्स्ट डे सिंदूर लगाना, माथे पर सिंदूर लगाना, तो सिंदूर लगाना को कहते हैं इंग्लिश में अप्लाई वर्मिलियन मतलब सिंदूर लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है अपने माथे पर सिंदूर लगाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे अप्लाई वर्मिलियन ऑन योर फोरहेड मतलब अपने माथे पर सिंदूर लगाओ। और मेहंदी लगाना, इसके लिए भी हम वर्ड यूज करते हैं अप्लाई का, जैसे अप्लाई है ना मतलब मेहंदी लगाना। जैसे इसका एग्जांपल है मैं मेहंदी लगा रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम अप्लाइंग हेना मतलब मैं मेहंदी लगा रही हूँ। और अब है काजल लगाना, आंखों में काजल लगाना, तो काजल लगाना को इंग्लिश में कहते हैं अप्लाई कोल। जैसे इसका एग्जांपल है मुझे काजल लगाना नहीं आता, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई डोंट नो हाउ टू अप्लाई कोल। और लिपस्टिक लगाना, इसे बोलते हैं इंग्लिश में अप्लाई लिपस्टिक, या आप बोल सकते हो पुट ऑन लिपस्टिक। पुट ऑन का भी आप यूज कर सकते। जैसे इसका एग्जांपल है थोड़ी लिपस्टिक लगा लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे पुट ऑन सम लिपस्टिक या अप्लाई सम लिपस्टिक। नेक्स्ट डे उखाड़ना, चिमटी से उखाड़ना, कुछ इस तरीके की चिमटी से पोहे को उखाड़ना, तो उखाड़ना को कहते हैं इंग्लिश में प्लक। प्लक मतलब उखाड़ना। जैसे इसका एग्जांपल है अपनी बोहे मत उखाड़ो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट प्लक योर आईब्राउज। और धागे से बनाना बोहे को, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा थ्रेड। थ्रेड मतलब धागे से बनाना। जैसे आपको बोलना है मैं अपनी बोहे बना रही हूँ, इसका मतलब है आप धागे से बना रहे हो, खुद बना रहे हो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम थ्रेडिंग माई आईब्राउज। नेक्स्ट डे छेदना, कान वगैरह छेदना, तो छेदना के लिए वर्ड यूज होगा पियर्स। पियर्स मतलब छेदना। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप खुद कान छेदते हैं तो आप पियर्स का यूज करेंगे, और अगर आप किसी से कान छिदवाते हैं तो कान छिदवाना के लिए वर्ड यूज होगा हैव पियर्स्ड। जैसे इसका एग्जांपल है मैं शनिवार को अपने कान छिदवाऊंगी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई विल हैव माई ईयर्स पियर्स्ड ऑन सैटरडे। और अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट डे नाखूनी लगाना या नेल पॉलिश लगाना, तो नाखूनी लगाना के लिए इंग्लिश वर्ड है पेंट मतलब नाखूनी लगाना या नाखून को रंगना नेल पॉलिश से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोलना है नाखूनी लगा लो, तो आप इसे इंग्लिश बनाएंगे पेंट योर नेल्स। नेक्स्ट डे लेप लगाना, चेहरे पे लेप लगाना, तो लेप लगाना को कहते हैं इंग्लिश में अप्लाई। अप्लाई मतलब लेप लगाना। जैसे आपको बोलना है मैंने ये लेप नहीं लगाया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई डिडंट अप्लाई दिस क्रीम। नेक्स्ट डे चोटी बनाना, तीन लट्टों में चोटी बनाना या चोटी गूथना, तो चोटी बनाना या चोटी गूथना इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्लेट। प्लेट मतलब चोटी बनाना या चोटी गूथना। जैसे आपको बोलना है क्या तुम्हें चोटी बनाना आता है, या क्या तुम्हें चोटी गूथना आता है, डू यू नो हाउ टू प्लेट। नेक्स्ट डे कंघी करना, कंघी करना बालों की, तो कंघी करना को कहते हैं इंग्लिश में कोम। कोम मतलब कंघी करना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कोम में बी साइलेंट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अपने बालों को कंघी कर लो, तो आप इसे इंग्लिश बनाएंगे कोम योर हेयर। नेक्स्ट डे तेल डालना, बालों में तेल डालना, तो तेल डालना को कहते हैं इंग्लिश में ऑयल। ऑयल मतलब तेल डालना। जैसे इसका एग्जांपल है मैं अपने बालों में तेल डाल रही हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई एम ऑयलिंग माय हेयर। नेक्स्ट डे रंगना, बालों को रंगना, तो रंगना को कहते हैं इंग्लिश में डाई।
डाई मतलब रंगना, जैसे एग्जाम्पल इसका, क्या वे अपने बालों को रंगती है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डज शी डाई हर हेयर। नेक्स्ट बांधना, बांधना बाल वगैरह को, तो बाल वगैरह को बांधना को कहते हैं इंग्लिश में टाई। टाई मतलब बाल बांधना, जैसे आपको बोलना है अपने बाल बांध लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे टाई योर हेयर। नेक्स्ट काटना, नाखून वगैरह को काटना, तो काटना के लिए वर्ड यूज होगा पेयर, मतलब नाखून काटना, जैसे आपको बोलना है अपने नाखूनों को काटो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे पेयर योर नेल्स, मतलब अपने नाखूनों को काटो। एंड द लास्ट वन इज बाल साफ करना, मोम लगाकर बाल साफ करना, हाथों वगैरह के बाल साफ करना या पैरों वगैरह के बाल साफ करना, तो बाल साफ करना को कहते हैं इंग्लिश में वैक्स। वैक्स मतलब मोम लगाकर बाल साफ करना, जैसे आपको बोलना है अपनी टांगों के बाल साफ कर लो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वैक्स योर लेग्स। और ये दोनों आज के क्विज है, कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।